हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज जो वीडियो है इसमें मैं आपको पोटली बटन से डिज़ाइनर नेक बनाना सिखाऊंगी। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सामने बेल बटन को आप ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो ये देखिए, मैंने ये कमीज़ की इस तरह से कटिंग की हुई है और ये मैंने नेक की भी इसमें कटिंग कर दी है। नेक की जो ये चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच ली है और जो लेंथ है इसकी वो भी मैंने 4 इंच ली है, ठीक है। और ये बॉटनेक है जो मैं बनाऊंगी, आप नॉर्मल लेंथ लेकर भी इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हो। तो ये जो मैंने नेक की जो कटिंग की है उसका मैं आपको कपड़ा अंदर का दिखा देती हूँ। इसमें एक फ़ायदा ये रहता है कि अगर आप सेम जो नेक है वो बनाना चाहते हो तो बाद में आप इसमें इसे संभाल कर रखें, और जब भी आपको सेम इसी तरह से बनाना हो सेम साइज़ का तो आप इसे इसके ऊपर रख कर के कटिंग कर सकते हो। ये बाद में आपके काम आ जाता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है शेप देने में चेंजेस आ जाते हैं, तो सेम इतना ही इसी तरह का नेक नहीं कट पाता है। तो आप अपने पास इसे रख ले और जब भी आपको दोबारा कट करना हो तो इसे रख करके सेम इसके ऊपर आप कटिंग कर सकते हो, ठीक। तो अब मैं आपको पोटली बटन से नेक बनाना सिखाती हूँ। तो ये मैंने बीच में इसमें सेंटर में निशान लगाया हुआ है। आप सबसे पहले कपड़े को फोल्ड करके बीच में बिल्कुल सेंटर बना लें और सेंटर में निशान लगा दें इस तरह से, ताकि आपको जब आप डिज़ाइन बनाओ तो टेढ़ा मेढ़ा ना जाए, क्योंकि ये फ्रंट में होता है, थोड़ा भी टेढ़ा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ख़राब लगेगा। तो ये हल्का सा निशान मैंने ऊपर लगा लिया है। ये जब मैं इसमें ओरेप पट्टी से नेक बनाऊंगी तो इतना हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा। उसके बाद अब हम यहाँ पर लेंथ का निशान लगा देंगे कि आपको कितने लेंथ की यहाँ पर नेक बनाना है, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, 8 इंच, 10 इंच, 11 इंच तक आराम से ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये निशान लगा दिया है, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस तरह से ये कपड़ा कट कर लेना है। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 4 इंच और जो इसकी लेंथ है वो मैंने ली है 10 इंच, ठीक। आप ज़्यादा ही लेंथ ले, बाद में एक्स्ट्रा हो तो आप ये कट कर सकते हो, ठीक। तो ये मैंने ले लिया, इसे भी मैंने फोल्ड कर लिया इस तरह से। फोल्ड करके मैंने सेंटर में इसमें निशान लगा दिया है ताकि ये बिल्कुल बराबर से आ जाए। तो अब आपको क्या करना है, इसे आपको नेक के ऊपर रखना है इस तरह से, और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर से आपको सेंटर से मिला करके इसमें, चाहे तो आप सीधी इसमें सिलाई कर दें, ठीक है, या आप इसमें पिन लगा करके इसे सेट कर लें ताकि टेढ़ा मेढ़ा ना आ जाए, क्योंकि अभी हमें इसके ऊपर सिलाई करनी है। ये केवल आपको इसलिए करना है ताकि हमारा कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा ना जाए, बिल्कुल हमारा जो सेंटर है सेंटर से मिला रहे, ठीक। इसके लिए आप सीधी सिलाई इसमें पक्की भी लगा सकते हो मशीन से, या फिर हाथ से भी कच्ची सिलाई इसमें लगा सकते हो, ठीक। तो मैं इसमें पिन लगा रही हूँ यहाँ पर, तो ये मैंने बिल्कुल मिला लिया है इस तरह से। अब आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको इसमें निशान लगाना है सीधा सीधा, जितनी आप लेंथ रखना चाहते हो उतनी, हल्का हल्का सा छोड़ करके। बहुत ज़्यादा आपको ये बहुत ज़्यादा आपको जगह नहीं छोड़नी है, केवल हल्का हल्का सा आप मार्जिन दे करके और तब इसमें निशान लगाएं, सेंटर को ध्यान में रख करके। और दोनों साइड जो आपको निशान लगने हैं बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो आप ये इस तरह से देखें, और इस तरह से चाहे तो आप स्केल की मदद से भी इसमें सीधा निशान लगा सकते हो। तो ये देखिए, इस तरह से हल्का हल्का सा मैं इसमें निशान लगा दूंगी, ज़्यादा मार्जिन आपको नहीं देना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा ही देना है, और नीचे तक आपको जा कर के ये मिला देना है, थोड़ा तिरछा कर देना है, ठीक। इसी तरह से आप दूसरी साइड भी निशान लगा दें, यहाँ से आप निशान लगाएं और फिर नीचे तक इसे मिला दें। ये इस तरह से करके नीचे तक आपको ये हल्का सा देखिए ऐसे तिरछा करके आपको मिला देना है, ठीक। ये हम ऐसे निशान लगा लेंगे। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, सिलाई लगानी है आपको, बिल्कुल ये जो हमने निशान लगाए हैं इसके ऊपर ऊपर आप सिलाई लगा दें, नीचे तक आप मिला दें और फिर दोबारा ऊपर तक सिलाई लगा दें, ठीक। तो ये हम सिलाई लगा लेंगे अब इसमें। तो यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे, बीच बीच में ये पिन मैं निकाल दूंगी। अगर आप बिगनर हैं तो आप बीच में सबसे पहले
आप मशीन से ही सिलाई लगा दें, ठीक है, बाद में आप उसे निकाल सकते हो। जब आप कट करोगे तो वैसे भी कट जाएगा, तो उसमें ज़्यादा आसानी आपको रहेगी। मैंने इसमें सिलाई नहीं लगाई है, मैं ऐसे ही इसमें सिलाई लगा दूंगी सिंपल, ठीक है। आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, कपड़ा आपका ज़्यादा हिलेगा नहीं। तो आप सेंटर में एक सिलाई लगा दें और उसके बाद आप नेक बनाए तो आपको बहुत ही आसानी से नेक बन जाएगा। तो ये देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी, नीचे से मैंने मिला दिया और फिर ऊपर तक सिलाई लगा दी है ये अपने निशान के ऊपर ऊपर, ठीक। ज़्यादा स्पेस मैंने बीच में नहीं दिया, हल्का हल्का सा ही रखा है मार्जिन मैंने। तो ये देखिए इस तरह से हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इसमें कट कर देंगे। तो ये यहाँ तक हम इसमें कटिंग कर देंगे, जो सिलाई है उस पर हम कट नहीं करेंगे, केवल उसके सिलाई से ऊपर ऊपर ही हम कट करेंगे, ठीक। अब ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस कपड़े को हमें अंदर फोल्ड कर देना है, ठीक। अब ये सिलाई मैं और पक्की करने के लिए क्या करूँगी, एक सिलाई एक्स्ट्रा लगा लूँगी मैं इसमें, ये देखिए इस तरह से। वैसे तो इसे सीधा हम अंदर फोल्ड कर सकते हैं, पर इसमें एक सिलाई और लगा लूँ क्योंकि हल्का सा मार्जिन है, तो एक सिलाई आप और लगा लें यहाँ पर तो अच्छा रहता है। बिल्कुल नीचे तक आपको ये सिलाई नहीं लगानी है, ठीक। ये सिलाई करके हम अंदर फोल्ड कर देंगे क्योंकि नीचे की साइड मार्जिन कम है, ऊपर की साइड थोड़ा ज़्यादा है, तो हम मैं ऊपर ऊपर की साइड ही एक सिलाई यहाँ पर लगा लूँगी। इससे क्या होगा, हमारा कपड़ा जो है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, जो हमारी सिलाई है। तो यहाँ तक मैं इसमें लगा दूँगी, इसी तरह से दूसरी साइड भी हम लगा देंगे इसमें सिलाई, ठीक। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है, ये देखिए आप इस तरह से। बिल्कुल नीचे तक नहीं लगाई क्योंकि नीचे मार्जिन कम था, जहाँ पर ज़्यादा था केवल वहीं तक ही मैंने ये सिलाई लगाई है दोनों साइड। तब इसे मैं अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर दूंगी और एक सिलाई मैं बिल्कुल कोने कोने में यहाँ पर लगा लूँगी। तो ये देखिए आप इस तरह से बिल्कुल साइड साइड में आप इसमें सिलाई लगा दें। ये इस तरह नीचे तक हम ये लेकर के जाएंगे सिलाई यहाँ तक, फिर हम रोकेंगे और इसे घुमा देंगे। इस तरह से यहाँ से हम दोबारा फोल्ड करेंगे और इस सिलाई को हम ऊपर तक लेकर जाएंगे। हल्का हल्का सा मैं प्रेस करके नाखून से और तब इसमें सिलाई लगाऊँ ताकि फिनिशिंग आ जाए। तो ये हमारी इस तरह से नेक फिलहाल ऐसे हमारा रेडी हो गया है। तो आइए आप देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरह से हमारा नेक रेडी हो गया है। अब हम दूसरा इसी तरह से कपड़ा कट कर लेंगे जैसा हमने पहले कट किया था। तो ये सबसे पहले मैं अब आपको पोटली बनाना बता देती हूँ, पोटली बटन बनाते कैसे हैं। तो ये मैंने इस तरह से थर्माकोल की बॉल्स लिए, आपको मार्केट में किसी भी शॉप से मिल जाएगी, स्टेशनरी शॉप से आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो मैंने ये कपड़ा लिया है, ठीक, और इसके अंदर मैंने ये डाल दिया है और इस तरह से सेम धागे से आप इसे इस तरह से गेठा लगा दें इसमें। तो ये हमारा पोटली बटन ऐसे रेडी हो जाएगा, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो। मैं अलग कलर का कपड़ा इसमें यूज़ करूँगी, वो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए मैंने इस तरह से फैब्रिक दोबारा से लिया, इसकी चौड़ाई फिर से 4 इंच है और लंबाई उतनी ही है, 10 इंच के आसपास आप ले लें, ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होनी चाहिए लंबाई, ठीक। तो अब ये मैंने फोल्ड कर रखा है और इसके नीचे मैं इसे रख दूँगी। तो मैं यहाँ पर इसके नीचे इसे रखूँगी, कम से कम आधा इंच हमारा ये अंदर जाना चाहिए, ये आधा इंच कम से कम अंदर होना चाहिए हमारा, ठीक, यहाँ पर। तो इसे मैं यहाँ पर इस तरह से रख दूँगी और इसके ऊपर ऊपर मैं अब सिलाई लगा दूँगी। बिल्कुल कोने कोने में ही आपको इसमें सिलाई लगानी है, ये इस तरह से आपको बिल्कुल कोने कोने। आप इसे सीधा पकड़िए और सीधा रखिए, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल इसे सीधा ऐसे रखें और इसमें सीधी सीधी सिलाई लगा दें। किनारे पर ही आपको इसमें सिलाई लगाने, बिल्कुल किनारे किनारे पर, ठीक है। ये नीचे तक हम ये सिलाई लेके जाएंगे यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर आपको सिलाई रोक देनी है इस तरह से। सुई आप अंदर ही रखें इसमें और इसे कपड़े को इस तरह से आप घुमा दें, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो अपने पोटली बटन बना करके तैयार किए हुए हैं वो आपको यहाँ लगाने हैं। अब आप इसमें निशान लगा दें आपको कितनी कितनी दूरी पर ये पोटली बटन लगाने हैं, ज़्यादा दूर दूर या ज़्यादा पास पास वो आपकी इच्छा है, ठीक है। पास पास भी अच्छे लगते हैं, थोड़ा आप स्पेस दे करके आधा इंच तो भी अच्छे लगते हैं, वो आपकी इच्छा है पूरी तरह से, या बिल्कुल सटा करके लगाते हैं वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं।
तो ये मैंने इस तरह से यहाँ पर अपना ये पोटली बटन रखा है और यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये इस तरह से ही धीरे धीरे आप सिलाई करें इसमें, और फिर इसके बाद हम दूसरा इसी तरह से रखेंगे। और जब हम सिलाई करते हैं तो आपको कपड़ा हल्का सा पीछे से खींचना है ताकि इसमें फिनिशिंग आए सिलाई में, और क्योंकि ये फैब्रिक जो है ये कॉटन का है तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगा। जो जॉर्जेट फैब्रिक होता है उसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आ पाती है, जो फिसलने वाला होता है। ये हमारा कॉटन फैब्रिक है तो उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी इसमें। तो आप जब भी इस तरह से करें तो हल्का सा आप ऐसे पीछे से खींचे जब इसके ऊपर सिलाई चलती है, तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से आपका ये नेक रेडी हो जाएगा। तो आप ध्यान दें, जैसे ही मैं इसके ऊपर सिलाई चलाती हूँ मैं हल्का सा पीछे से खींचती हूँ ताकि ये बहुत ही आराम से इसमें सिलाई होती जाए। तो इसी तरह से मैं पूरे में ये लगा दूँगी। तो ये देखिए मैंने पूरे में ही सिलाई कर दी है, रेडी कर लिया है मैंने पूरा, ठीक। और इसके बाद आपको क्या करना है, आप चाहे तो एक सिलाई बराबर में भी इसके लगा सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ना भी लगाओ तो भी ठीक है, ऐसे भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए अब यहाँ पर हम इस तरह से फोल्ड हो जाएगा हमारा जब इसमें हम नेक बनाएंगे। तो ये इस तरह से रेडी होने के बाद बहुत ही खूबसूरत नेक हमारा तैयार होगा। ये पोटली बटन कंट्रास्ट में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और सेम कलर में भी बहुत अच्छे लगते हैं, वो आपकी इच्छा है आपको किस तरह से पहनना पसंद है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और देखते रहिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। देखने के लिए धन्यवाद।